नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल कृषि किंग पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो प्याज का भाव है अलवर मंडी के अंदर। उससे पहले सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार अगर आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज अगर अलवर मंडी की बात करें, अलवर मंडी में जो प्याज है वो मण के हिसाब से बिकता है। तो आज अगर बात करें, टॉप क्वालिटी का जो भाव रहा है वो 1300 रुपये, एक दो जो ढेरी है वो 1300 रुपये मण के हिसाब से बिकी है। बाकी की अगर हम एवरेज भाव की बात करते हैं कि एवरेज भाव जो है क्या देखने को मिला, तो एवरेज भाव है जो लगभग 600 रुपये से लेकर के 1100, 1150, 1200 रुपये तक का जो एवरेज भाव है वो हमें देखने को मिला है। वहीं अगर बात करें गोल्टा गोल्टी की, तो वही 200 रुपये मण के आसपास से लेकर के 500 रुपये तक का जो प्याज है, जो छोटा प्याज है बिल्कुल, उसके जो प्राइस हैं वो देखने को मिले हैं। क्योंकि कई बार अब थोड़ा सा प्याज के अंदर जो सुपर क्वालिटी की जो प्याज है उसमें अब सुधार देखने को भी मिला है, क्योंकि दीपावली से पहले ज़्यादा सड़ा हुआ प्याज आ रहा था। जलेबी रोग की वजह से किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई किसान भाई ऐसे हैं जिनके कि एक बीघे के अंदर दो दो कट्टे भी हुए हैं, तो और कुछ जगह अच्छी पैदावार भी हुई है। तो दोस्तों, आज जो रेट है लगभग यही है। और बात करें अगर कल की, तो कल के जो प्राइस हैं अलवर मंडी के अंदर, शायद अगर जो मंडी के अंदर आवक ज़्यादा होने से जो किसानों को एक उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि किसान भाई भी थोड़े से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि कई किसान भाइयों की जो सुपर क्वालिटी की जो प्याज थी, उनको भी उनको लग रहा है कि 200-300 रुपये मण जो है वो सस्ती जा रही है। तो दोस्तों, थोड़ा सा आप भी मंडी के अंदर भाव के हिसाब से आप अपना प्याज है वो लेके आ सकते हैं। गीला प्याज की बजाय आप थोड़ा उसको 2-4 दिन सूखा के लें, तो उसको और अच्छा आपको जो भाव है वो आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।